अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर हिरा अलवी। आई एम अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन लाहौर। टुडे इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़ जिसमें हमने केमिकल एक्सफोलिएशन डिटेल में डिस्कस की है। द अदर थ्री वीडियोस, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, यू कैन वॉच देम, बिकॉज आप उनको देखेंगे तो फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा ईजिली समझ आएगी। आई हैव ऑल्सो मेड अ प्ले लिस्ट ऑन माई चैनल, यू कैन इवन क्लिक ऑन दैट टू वॉच ऑल द वीडियोज़ इन सीक्वेंस। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्किन टाइप के लिए क्या एसिड यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जिसके अंदर सबसे पहले ग्लाइकोलिक एसिड आता है। इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोज़, तो ग्लाइकोलिक एसिड मैं हमारी स्किन टाइप के लिए रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज देर आर मेनी अदर टाइप्स दैट यू कैन यूज़। अगर आपकी स्किन ड्राई है एंड हाइपर पिगमेंटेशन है एंड आप कोई हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि यू यूज़ अ 5% लैक्टिक एसिड। और अगर आपकी स्किन टॉलरेट करती है तो यू कैन गो अप टिल 10%, बट नॉट मोर देन दैट। अगर आपकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है एंड हाइपर पिगमेंटेशन है, तो यू कैन गो फॉर अ मैंडेलिक एसिड। अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड एक्नी प्रोन है, देन गो फॉर अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। उसमें भी अगर आपकी ऑयली, एक्नी प्रोन, सेंसिटिव स्किन है, गो फॉर अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड विच इज़ अ वॉश ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ मोस्टली इन अ फॉर्म ऑफ अ क्लेंजर। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है एंड सेंसिटिव नहीं है, तो यू कैन गो फॉर अ लीव ऑन प्रोडक्ट। अगर आपकी स्किन ड्राई है एंड सुपर सेंसिटिव है और आप किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आई वुड रिकमेंड दैट यू यूज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। एंड वंस योर स्किन गेट्स यूज्ड टू इट और आपको उससे सेंसिटिविटी नहीं होती है, देन यू कैन गो फॉर अदर एसिड्स। इफ़ यू आर अ बिगिनर, स्टार्ट विद द मैंडेलिक एसिड और पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड एंड देन यू कैन अपग्रेड इट टू योर स्किन केयर नीड्स। पहले आप शुरू में उसको वंस अ वीक यूज़ करना स्टार्ट करें, मॉइस्चराइजर में मिक्स करके यूज़ करना स्टार्ट करें। आपकी स्किन एक दो हफ्ते में क्लिमेटाइज हो जाए, तो यू कैन यूज़ देम ट्वाइस अ वीक एंड नॉट मोर देन दैट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्किन आपकी उसके साथ यूज़ टू हो रही है, तो आप मॉइस्चराइज़र के बगैर उसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। बट ये स्टेप्स हैं। डायरेक्टली किसी को इंटरनेट पर देखकर बहुत हैवी एसिड मुंह पे लगा लेना जबकि आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल अकलमंदी नहीं है। अपनी रिसर्च करें, देखें कि किस तरीके से यूज़ करना है। ऑलवेज मेक स्मार्टर चॉइसेस। केमिकल एक्सफोलिएशन को किस तरह यूज़ करना है? रात में डबल क्लेंजिंग करनी है फेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर लेना है, उससे अच्छे से फेस के ऊपर से सारी डर्ट एंड मेकअप रिमूव करना है। फिर आपने एक और क्लेंजर लेना है, उससे फेस को वॉश कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने उसके ऊपर ये प्रोडक्ट अप्लाई करना है 3-4 ड्रॉप्स में, अगर आप सीरम फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप क्लेंजर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो फेस के ऊपर वो क्लेंजर लगा के आपने 2 मिनट रखना है एंड देन वॉश ऑफ कर देना है, और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लेना है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग यू शुड वेयर अ सनस्क्रीन। मज़ीद डिटेल्स मेरी बाकी वीडियोज़ में अवेलेबल हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच देम तो गो वॉच देम आफ्टरवर्ड्स। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड दैट्स इट फॉर द सीरीज। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है, डू लाइक एंड कॉमेंट इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। अगर आप किसी और तरह की वीडियोज देखना चाहते हैं, तो ऑल्सो गिव मी सजेशंस, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।